हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी राइस में। तो हम पॉलिटी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। इसमें से अभी दो वीडियो आएंगे, यानी एक ये और एक और। इसमें से कंप्लीट पॉलिटी का करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 साल का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया था इन दो वीडियो में। करीब 6 माह का मैं पॉलिटी का करंट अफेयर्स आपके साथ कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर हम बात करें इसमें से, तो आपको इसमें से कंप्लीट वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आज का जो हमारा पहला इशू है वो अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया गया था उस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उस समय का ये बर्निंग इशूज हुआ करता था। तो अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये इशू था, है ना। चलो एक्चुअल में चर्चा में क्यों था, थोड़ा सा इसके बारे में सुनी लीजिए। देखो, अमेरिकी उस समय राष्ट्रपति, इस समय तो जो बाइडेन है, उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुआ करते थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग, 2 बार उनके कार्यकाल के दौरान महाभियोग का उनको सामना करना पड़ा। अब ये पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए जिनको 2 बार सामना करना पड़ा। अमेरिकी कांग्रेस ने इन पर जो है विद्रोह भड़काने का आरोप क्या है लगाया था। अब आपको आइडिया हो, ये जनवरी की बात है, 6 जनवरी 2021 को जब नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत हुई थी, तो उसको प्रमाणित करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस का सत्र शुरू हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जो कैपिटल बिल्डिंग थी, जो अमेरिकी संसद जहाँ पे स्थित है, तो उस पर इनने क्या कर लिया था, कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन ये असफल हो गए थे, कब्जा नहीं कर पाए थे। एक्चुअल में अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग को लेकर के, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बताऊंगा। जैसे कि देखो, वहां जो अमेरिका में जो कांग्रेस होती है, हमारी जो संसद है, वहां कांग्रेस को संसद बोलते हैं। अमेरिका में जो वहां की कांग्रेस को, जैसे हमारी संसद है और इसके भी दो सदन हैं, इसी तरह अमेरिका में इसको संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस एक पार्टी है ना। तो चलो अब देखो, दो सदन है यहाँ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस है, तो इसमें से दो सदन है, एक तो है भाई सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, सीनेट और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो, जो सीनेट है इसमें से प्रत्येक राज्य में 2 प्रतिनिधि, सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में, अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में से मैंने बताया कि भाई प्रत्येक राज्य से, यानी इवरी स्टेट से 2 मेंबर, 2 प्रतिनिधि क्या है, सीनेट पे चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे उस राज्य की आबादी कितनी भी हो और चाहे क्षेत्रफल भी कितना भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये मैटर ओनली करता है कि उस राज्य से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सिर्फ 2 मेंबर आएंगे सीनेट पे। वही जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसमें जिनमें सदस्यों का चुनाव राज्य की जनसंख्या, जो राज्य है तो उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो होंगे ये जनसंख्या के आधार पर, ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर। ठीक, अब महाभियोग का कारण एक्चुअल में क्या था। देखो, अमेरिकी संविधान के अकॉर्डिंगली अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने या किसी दूसरे गंभीर अपराध या फिर दुष्कर्म के कारण उनको पद से हटाया जा सकता है। दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है। अब इससे पहले पूर्ववर्ती महाभियोग के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मैटर तो इनका था, लेकिन पूछ सकता है कि इससे पहले किन किन को महाभियोग का सामना करना पड़ा। तो देखो, अब तक की अगर हम बात करें तो 3 अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं जिनको महाभियोग का सामना करना पड़ा है, 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को, लेकिन पास किसी में नहीं हुआ। देखते हैं कौन कौन। देखो, ये 2019 में आपको पता है भाई, हमारे फूफा जी डोनाल्ड ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन 1998, कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं शायद तब हुए होंगे, है ना। तो बिल क्लिंटन, और तीसरे जो व्यक्ति थे एंड्रयू जॉनसन, इनका टाइम पीरियड 1868 था। एंड्रयू जॉनसन, इन सभी को जो है ना,
इस महाभियोग का सामना करना पड़ा। अब भाई जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा महाभियोग चलाया गया, हालांकि सभी को सीनेट के द्वारा इसे विमुक्त कर दिया गया। सभी को रिप्रेजेंटेटिव, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वह इन पे महाभियोग का आरोप लगाती थी, और जो दूसरा सदन सीनेट है वो क्या कर लेता था, इनको विमुक्त कर देता था। इस प्रकार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक किसी को भी महाभियोग के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं इस वजह से बस आया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लेके आया, एंड्रयू जॉनसन 1868, बिल क्लिंटन 1998 और 2019 डोनाल्ड ट्रंप, है ना। अब भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी कुछ अगर हम प्रावधानों की बात करते हैं, तो जैसे भारत में राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में, अगर भारत में राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में हटाया जा सकता है। साथ ही भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन का अर्थ ये है, मतलब एग्जैक्टली कोई परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जाएगा कि जो MOC है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, अगर मान लो कि ऐसा अगर वो कोई सजेशन दे रही है तो आप एक बार जरूर उन्हें वापस कर देते हो, लेकिन वही पास करके अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है, तो आपको मतलब वो बिल पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, तो ये तो आप एक तरीके से बाध्य हो गए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मतलब सजेस्ट किया जा रहा है, आप उनका पालन नहीं करते हैं, तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाए। ठीक है, अब जैसे महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी शुरू की जा सकती है। अब भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग संबंधी एक एक्चुअल में तंत्र क्या है, जरा थोड़ी से इसे समझने का प्रयास करो। तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ओके, एक्चुअल में ये क्या फंडा है, जरा इसे समझने का प्रयास करो। देखो, इसकी जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, जो भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, वो अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के अंदर, भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को अगर वो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन के द्वारा शुरू किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को जरा समझने का प्रयास करिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा कि भाई जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कोई भी सदस्य, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। यदि उसे संदेह है कि राष्ट्रपति राजद्रोह या रिश्वतखोरी या किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म का दोषी है, तो उस पर यह क्या है, प्रोसीडिंग चालू कर सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर अगेन भारत के राष्ट्रपति पे पॉइंट 1 हो गया दोनों का। ठीक है, पॉइंट 2 देखो जरा भाई, जिस भी सदन में प्रक्रिया शुरू की गई है, कोई भी सदन हो, जिस भी सदन में प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके 1/4 सदस्यों द्वारा संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया जाना है। ये जरूरी है, तभी सदन के द्वारा उस पर विचार किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है, ऐसे नहीं, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। वहीं दूसरा अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो देखो भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी सामान्य बहुमत, यानी सामान्य बहुमत का मतलब यहाँ है 51% की बात, तो इसके माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। और इसके बाद प्रक्रिया जो है ट्रायल की ओर बढ़ती है, फिर ट्रायल होगा। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति का पॉइंट 2 देखा। अब भाई थोड़ा सा पॉइंट 3, भारतीय राष्ट्रपति, संसद के किसी एक सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव में पारित सदन की कुल सदस्यता के 2/3 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, और ये पारित होने के बाद उसे विचार के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति में जो ट्रायल की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दूसरा पॉइंट में मैंने बताया कि भाई अगर ये साधारण बहुमत से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो ट्रायल होगा, और ट्रायल की शुरुआत होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिसकी अध्यक्षता करता है, जबकि अभियोजन पक्ष के सदस्य और सीनेटर एक निर्णायक मंडल के तौर पे कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपनी ओर से एक वकील की नियुक्ति भी कर सकता है, एक वकील भी लगा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं एक चौथा पॉइंट यह है, भारत में अगर हम बात करें कि यदि अन्य सदन के द्वारा भी दो तिहाई, अगर पहले सदन को तो मैंने बताया कि मान लो पारित हो जाता है, दूसरे सदन के द्वारा भी अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव अगर पारित कर दिया जाए, तो पारित होने की उस स्थिति से उनको पद से हटाया जा सकता है। वहीं आप यहाँ देखोगे तो ट्रायल के अंत में जो है सीनेट के सदस्यों द्वारा वोट किया जाता है, जो सीनेट के सदस्य होते हैं, यदि कम से कम 2/3 अर्थात 67% के आसपास, यानी सीनेटर राष्ट्रपति को अपराध से क्या है मान लो दोषी मानते हैं 67% लोग, तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा और शेष कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति पदभार संभाल लेता है, जो रेस्ट ऑफ कार्यकाल है, शेष कार्यकाल है। तो इसको भी आप समझा देखा। तो अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने सारा प्रोसेस आपको समझा दिया है कि भाई भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति और कंपेयर करके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ऐसा प्रीलिम्स में बन सकता है। दूसरा इशू है जांच में देरी पर सीबीसी के कुछ निर्देश। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो सीबीसी रिसेंटली केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और सभी डिपार्टमेंट को सतर्कता संबंधी मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही के कई चरणों के लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करने का दिशा निर्देश दिया है, क्योंकि इस प्रकार की देरी से आरोपित अधिकारियों को या तो अनुचित लाभ प्राप्त हो रहा है या फिर उन्हें उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इस वजह से इन्हें कुछ दिशा निर्देश दिया। एक्चुअली में मुद्दा क्या था, देखो अगर भैया मुद्दे पे आते हैं तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीबीसी है, ये पहले की चिंता व्यक्त की है कि आयोग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो डीओपीटी है, तो डीओपीटी के द्वारा जो जारी स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद भी जांचकर्ता निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर रहे हैं जो जांच कर रहे हैं, जिसके कारण जांच में अधिक समय लगता है, पैसे की भी बर्बादी होती है, और सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़ करके किसी भी न्यायालय द्वारा जारी स्टे आदेश की अवधि को 6 माह तक ही लिमिटेड कर दिया है, 6 माह से ज्यादा स्टे नहीं हो सकता है, ठीक है। अब भाई अगर कारण की बात करें तो न्यायालय द्वारा जो जारी किया गया स्टे आदेश है न्यायपालिका के समक्ष एक लंबित मामले जो है, तो अधिकारी द्वारा सेवा समाप्त किए जाने के बाद मामला यथावत उसे रखा जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ अनुचित उदाहरण की अगर बात करें तो अनुचित देरी की वजह से भ्रष्ट लोक सेवकों को अनुचित गतिविधियों में लिप्त होने का अधिक अवसर मिल जाता है, उन्हें जो जांच है उसको प्रभावित करने का अवसर मिल जाता है, जिससे अन्य लोक सेवकों के समक्ष वो एक खराब उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं, साथ में और भी समस्याएं प्रभावित करते हैं, जांच कमेटी को प्रभावित करते हैं, अपना इधर उधर जो है आप सामान्य आम बात बोलचाल की भाषा में बोलते हैं पौवा लगाते हैं, मतलब कि लोग बोलते हैं ना हमारे यूपी में लोग बोलते हैं पौवा, वो दूसरा दो पौवा होता है ना, तीन होता है फिलहाल, तो मतलब अपना जो है स्टेटस दिखाते हैं कि देखो हम इतने पावरफुल हैं और हम इन चीजों को सेटल डाउन कर देंगे, है ना। अब ईमानदार अधिकारियों का इससे हतोत्साहन भी तो होता है, जैसे सतर्कता संबंधी मामलों में निपटान में होने वाली जो देरी है, इससे प्रायः उन ईमानदार जो लोक सेवक हैं जिनके उत्पीड़न का सामना वो कर रहे हैं, तो जो ऐसे मामलों में शामिल होते हैं उनका एक तरीके से हतोत्साहन होता है, जो ईमानदार व्यक्ति हैं और उन्हें ऐसी चीजों में शामिल किया जाता है। वहीं सीबीसी की बात कर लें थोड़ा सा, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन लिखा तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक शीर्ष जो है सतर्कता आयोग संस्थान है, जो कि किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से ये मुक्त होता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है
और ये केंद्रीय सरकारी जो है संगठनों में विभिन्न पदाधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने और उनको परफॉर्म समीक्षा इनमें सुधार करने की सलाह देता है। एक्चुअल मींस की अगर हम सीबीसी की संरचना की बात करते हैं तो भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो स्थापना है केंद्र सरकार के द्वारा 1964 में, और ये जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, के संथानम, ध्यान रखना भैया, के संथानम की अध्यक्षता में, जो अध्यक्षता वाली जो समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। वर्ष 2003 में आयोग को वैधानिक दर्जा देते हुए संसद के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कार्य क्या होते हैं भाई सीबीसी के, जो सीबीसी भ्रष्टाचार और कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की भी क्या करती है, सिफारिश, जो उपयुक्त कार्यवाही होगी उसकी भी क्या करती है भाई, सिफारिश करती है। जो ये संस्थाएं हैं, निकाय या फिर व्यक्ति जो सीबीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, तो कोई भी चाहे निकाय और संस्थान या इंडिविजुअल हो, केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता जो मुखबिर है या सचेतक है जिसको विसल ब्लोबर कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई भी अन्वेषण एजेंसी नहीं है, कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। यह या तो मतलब जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है इसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों की जांच करवाती है, और मुख्य सतर्कता अधिकारी जो सीबीओ है तो उसके माध्यम से मामले की जांच या अन्वेषण करता है, या कोई दूसरा माध्यम लेती है, बल्कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। शासन के आधार पर बात करें तो भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है पास में एक सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक जो सीटीई बोलते हैं, विभागीय जांच आयुक्त खंड सीडीआई कहते हैं, और वहीं जो है रिसर्च यानी अन्वेषण कार्य के लिए सीबीसी जो है बाहरी स्रोत जैसे कि सीबीआई इससे हेल्प लेती है और सीबीओ पर यह निर्भर रहती है। संरचना में मैंने आपको बताया कि भाई केंद्रीय सरकार जो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय आयोग है जिसमें से एक केंद्रीय सतर्कता आयोग अर्थात चेयरपर्सन होते हैं, अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त यानी जो मेंबर हो सकते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक सीमित टाइम पीरियड और एक समिति के सिफारिशों के आधार पर होता है, जिसमें से प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और गृह मंत्री, सदस्य और लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं वो सदस्य के तौर पे शामिल होते हैं। वहीं मुख्य सतर्कता अधिकारी के बारे में थोड़ा सा देख लो, सीबीओ जो है, सीबीओ जो है सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं, ये विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में सतर्कता संबंधी कार्यों का नेतृत्व करते हैं और उसकी जांच करते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले समाप्त होता है वही, ध्यान रखिएगा, 4 ईयर 4 वर्ष, अगेन मैं बोल रहा हूँ 4 वर्ष और 65 वर्ष, ध्यान रखना। ठीक है, निष्कासन की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा केवल कदाचार साबित होने या अक्षमता की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। तो आपने इसे भी देख लिया। ओके, एक बहुत बड़ा एक इशू निकल के आया था जो अगला हमारा एक मतलब ये कह लो कि ये लैंडमार्क वर्डिक्ट है कि पदोन्नति में आरक्षण और सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्देश हैं। यहाँ से मुझे इस बार लगता है कि क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पॉलिटी में पूछेगा। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी दो आते हैं, एक तो पक्का ही है फंडामेंटल राइट से, और मुझे लगता है आरक्षण किससे ही संबंधित ना पूछ ले करंट को इसमें लागला पेट करके, है ना। चलो देख लो भाई, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के, पदोन्नति में आरक्षण और जो है सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश, चलो देखो क्या माजरा है। रिसेंटली हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है तो इनने इनके महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल एजी को एम नागराज मामले में, जो एम नागराज मामला है तो उसमें 2006 में संविधान पीठ के द्वारा दिए गए कुछ निर्णय के खिलाफ किए गए फैसले के जो प्रयोज्यता के संबंध में राज्यों के द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न मुद्दों को संकलित करने के लिए कहते हैं। यह निर्देश ये था कि भाई 7 न्यायाधीशों वाली जो खंडपीठ में केंद्र की याचिका पर इसमें कुछ निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सवाल किया गया था कि भाई सरकारी पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए जो क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा आता है। मैं इस मुद्दे को नहीं, देखिए
मतलब ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं सोशल मतलब मैं इसमें से ध्यान रखिएगा, मैं किसी भी प्रकार से इसमें से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, इस वजह से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। लेकिन हमने सोशल मीडिया में जो टीना डाबी को लेकर के काफी कुछ चीजें सुना हो रहा होगा, जो टीना डाबी शायद 2016 या 17, 16 या 17 जो भी है टॉप की थी, उनने टॉप करा था यूपीएससी में जब रिजल्ट आया था। लेकिन कुछ मुद्दा ये बन गया था सोशल मीडिया में कि भाई जो प्रीलिम्स में जो है टीना डाबी जी का जो मार्क्स है वो कम आ रहा था, और लगातार उन्हें कहा जा रहा था कि भाई देखो जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन SC ST में ऐसा सच है नहीं है। तो देखो इसके कुछ कॉन्स तो हैं, जरूर हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अगर मान लो उदाहरण दिया जा रहा था यही सोशल मीडिया में कि भाई जो टीना डाबी के माता पिता हैं, इवन जो दादा हैं, ये यूपीएससी के अंतर्गत जो IES के अंतर्गत ये क्या है जॉब कर रहे थे भाई, तो इनके पास 1 क्लास का सर्विस था, इनके बच्चों की पढ़ाई बेहतरीन स्कूलों में हुई है, तो क्या इनको आरक्षण की जरूरत है? तो इससे क्या है, जो जेन्युइन बच्चा है, जो आरक्षण क्या है, देखो आरक्षण बहुत सिंपल है, कि जो समाज का पिछड़ा तबका है, जो समाज का शोषित तबका है, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। लेकिन क्या भाई कि IES के जो बेटे या बेटियां हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आज भी ये सामाजिक तौर से आपको लगता है कि पिछड़े हैं? तो ये मुद्दा बहुत गर्मा गया था। तो एक्चुअल में कुछ दिशा निर्देश ये थे कि भाई देखो जैसे SC ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इससे क्या हो जाता है कि जो ये आरक्षण है, आरक्षण जो रिलीवेंसी है, इसमें सवाल उठने लगते हैं, कई बार ऐसे सवाल उठने लगते हैं। अब अदालत ने M. नागराज मामले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत के इस्तेमाल को क्या किया था, उन्हें बरकरार रखा था। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक्चुअल में क्रीमी लेयर का थोड़ा सा सुन लो कि ये क्रीमी लेयर क्या है, फिर मैं आगे आपके देखो सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर जो है इस शब्द का सबसे पहले इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ 1992 में इस शब्द का प्रयोग किया, 1992, क्रीमी लेयर ध्यान रखिएगा, क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर जो शब्द है ये अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के अपेक्षाकृत ये अमीर और जो बेहतर शिक्षित समूहों को संबोधित करता है, जो समाज के उच्च तबके से आते हैं, समाज का पढ़ा लिखा तबका, समाज का वो तबका जो सक्षम है सारी चीजों में, तो उससे संबंधित है, जिन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षक और जो शैक्षिक और जो पेशेवर लाभ है उनके कार्यक्रमों के उन्हें योग्य नहीं माना जाता है। अब वर्तमान नियमों के अनुसार OBC वर्ग में OBC वर्ग के केवल वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी, ध्यान रखिएगा, वे उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 6 लाख रुपए से कम है, पारिवारिक आमदनी इनकी 6 लाख रुपए से कम है और आरक्षण के वह पात्र हैं। हालांकि हाल ही में पारिवारिक आमदनी की सीमा को बढ़ा दिया गया था, ये 6 लाख से 8 लाख कर दिया गया था, लेकिन मुझे जो लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि एक बार इसको दोबारा से विचार करना चाहिए। 8 लाख एक बहुत बड़ा मतलब ये समझो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है भारत में। क्यों बड़ा अमाउंट होता है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बहुत अच्छा है भाई, ये जो कदम उठाया गया बेहतरीन है, सराहनीय है, लेकिन क्या ये जो सीलिंग करी गई है 8 लाख की, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इसमें से जो 8 लाख वाला सीलिंग है, आप जरा मुझे बताएं कि क्या ये फायदा उन्हीं लोगों को नहीं मिलेगा जो पहले से सक्षम है? यहाँ हमारे यहाँ मैं एक आपको डेटा बता दूं, ये पिछले से पिछले साल का है, कि करीब और कई सारी बहुत सारी जो पॉवर्टी से संबंधित कमिटियाँ आएंगी, जब मैं पॉवर्टी आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, तो उसमें जितनी भी कमिटी बिठाई गई हैं उनके अपने अपने कि भाई कुछ 27% कुछ कमिटियों का मानना है, कुछ का इससे भी ज़्यादा मानना है, कितने लोग गरीब हैं, मतलब हैंड टू माउथ हैं, बहुत जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बहुत ज्यादा गरीब हैं, अति गरीब हैं, तो कुछ 19 या उससे भी कम, मतलब उस 19 या 20%, अलग अलग समितियों के अपने अपने डेटा हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं सिर्फ इसकी रिलीवेंसी को लेकर के बात कर रहा हूँ कि भाई EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। ठीक
ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये जो 8 लाख का सीलिंग है, क्या ये रीजनेबल है? शायद ये तो रीजनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हकीकत में जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए उसे लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण से समझाया था, यही जो सोशल मीडिया में उस साल जो टीना डाबी जी का मामला चल रहा था कंटिन्यूअसली, इसी मामले में कैसे भाई? देखो, बहुत सिंपल है और बहुत साधारण है। बहुत सारे टीचर इन चीज़ों में मामले में बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, इवन मैं भी बहुत सोच समझ कर ही बोलता हूँ, लेकिन बिल्कुल भी मामला ऐसा नहीं उठाते हैं। देखो, एक्चुअल में होता क्या है ना कि आरक्षण लगातार इस पे, मतलब आरक्षण को लेकर के आरोप लगते रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ लोग समर्थक रहे हैं, इसके कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा विरोधी रहे हैं। लेकिन जो केस, मतलब कोर्ट में मामला गया और एक सामान्य जो बौद्धिक वर्ग है इसके समर्थन में रहा है, और होना भी चाहिए कि भाई देश की जितनी भी एसेट्स है वो हम सभी की एसेट्स है, हम सभी की एसेट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। भाई, इस देश की टेरिटरी में हम पैदा हुए हैं, हमारे सभी बराबर के पॉलिटिकल, सोशल, सभी इकोनॉमिक, सभी राइट्स हैं, ठीक है, तो उनको मिलना चाहिए। अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति वाकई में पहले से पिछड़ा है, सामाजिक तौर से पिछड़ा है, आर्थिक तौर से पिछड़ा है, ठीक है, राजनीतिक तौर से पिछड़ा है, तो क्या उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसको और मैं साधारण तरीके से समझाना चाहूंगा। मान लो कि किसी माँ बाप के 4 बेटे हैं, ऐसे समझो, 4 बेटे हैं, और इन इन माँ बाप ने क्या करवाया कि चलो यहाँ पे देखो, किसी माँ बाप की, बहुत सिंपल तरीका है, इन चीज़ों को आप नहीं जज कर पाते हैं कि कैसे लिखना है, आपको ये मेंस में भी लिखने में हेल्प करेगा ये चीज़ें, ठीक है, तो बहुत इसमें से बैलेंस होके आंसर लिखना होता है। मान लो 4 बेटे हैं और 4 बेटे में पिताजी ने ये कहा कि भाई 4 बेटों में जो एक प्रतियोगिता करवाई जाएगी दौड़ में, और वो जो सबसे टॉप करेगा उसी को क्या किया जाएगा, मान लो कि उसी को सारा जो प्रिविलेजेस मिलेगा, उसी को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। अब इसमें से 4 बेटों में मान लो एक बच्चा क्या है, दिव्यांग है, पीएच है, एक बच्चा दिव्यांग है, ठीक है। इनमें से एक बच्चा बहुत बॉडी बिल्डर है, मान लो ये दिव्यांग है, दूसरा बच्चा बहुत बॉडी बिल्डर है, तीसरा बच्चा जो है वो अपने शारीरिक बनावट कटकाठी में छोटा है, और जो चौथा बच्चा है वो भी मान लो कि इसी समस्या से वही कटकाठी में छोटा और मतलब उतना फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो क्या इनकी दौड़ कराना यह न्याय होगा? आप मुझे बताइए, शायद तो नहीं। क्यों? क्योंकि इस माँ बाप की ये चारों संतानें हैं, और इस माँ बाप की अगर ये चारों संतानें हैं तो माँ बाप को कोई भी प्रतियोगिता करवाने से पहले उनकी एबिलिटी को देखना चाहिए कि अगर व्यक्ति मान लो दिव्यांग है कोई, तो अगर यहाँ से ये इसका क्या है, यहाँ से इन्हें रेस शुरू करनी है और यहाँ तक इन्हें ये इनका पहुँचना है, तो अगर ये बॉडी बिल्डर को यहाँ से दौड़ाना चाहिए तो दिव्यांग व्यक्ति को यहाँ से दौड़ाना चाहिए, यहाँ से दौड़ाना चाहिए, तभी यह न्याय हो पाएगा, तभी यह न्याय हो पाएगा। आरक्षण भी इसी न्याय की बात करता है। लेकिन जरा समझना, और एक चीज मैं यहां बता दूं, अब ऐसे समझना कि मान लो कि इनकी सारी पीढ़ी, ये सारा सब कुछ ठीक रहा, ठीक है, इनकी अगली पीढ़ी आई और अगली पीढ़ी में कंडीशन अपोजिट हो गई, अगली पीढ़ी में कंडीशन अपोजिट हो गई। मान लो ये जो बॉडी बिल्डर था और ये सारा सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, तब इसका जो अगली पीढ़ी है वो ठीक ठाक नहीं रही, लेकिन ये व्यक्ति जो दिव्यांग था, इस व्यक्ति पहले से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके जो जनरेशन है वो स्ट्रांग रही, तो इसमें से, और ये जो तीसरा सी व्यक्ति है ये पहले से क्या है, स्ट्रांग हो गया है, और जो व्यक्ति डी है मान लो ये उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, तो मतलब इनकी जो जनरेशन स्ट्रांग हो गई है,
तो इसमें से ये होना चाहिए कि भाई जो अगर मान लो ये व्यक्ति अपना मेहनत किया सारा सब कुछ, ये स्ट्रांग हो गया है, तो अब जो पहले ये लोग मान लो कि सी यहाँ से दौड़ रहा था, डी यहाँ से दौड़ रहा था, तो अब सी को यहाँ से दौड़ना चाहिए, डी को यहाँ से, और बी को यहाँ से। यही आरक्षण है। क्या है? यही आरक्षण है। तो इसमें से इसको थोड़ी सी क्या है, रीजनेबल हमें इसमें से ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, रीजनेबल ट्रीट करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, और सब क्योंकि अगर कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे समझो कि अगर मान लो कि जैसे कि SC ST में क्रीमी लेयर का कोई कॉन्सेप्ट लेके आती है कोई भी सरकार, तो वो सबसे पहले अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन और पॉलिटिकल इफेक्ट्स के बारे में जो उसका असेसमेंट करेगी, उसका क्या करेगी, असेसमेंट करेगी कि भाई उसको पॉलिटिकल इम्पैक्ट कितना झेलना पड़ सकता है, अन्यथा वो ऐसे बड़ा कदम नहीं उठाने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही तो है, आपको एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जब मैं बता रहा था, तो इससे ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सकेगा, पॉलिटिकल जो विल पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मान लो कि कोई जनरल इलेक्शन में मान लो कि सरकार ने ऐसा फैसला लिया, ठीक है, अब बात आती है जनरल इलेक्शन की। अब जनरल इलेक्शन में हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो कॉस्ट बेस्ड होते हैं, रिलीजन बेस्ड होते हैं, रिलीजन कॉस्ट इन सभी को कॉल किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है, ना मुझसे ना आपसे। तो इस चीज में वो एकदम बहुत गहरी नजर रखते हैं, एकदम कड़ी नजर रखते हैं कि इसका इम्पैक्ट ना देखने को मिले। और आप देखेंगे कोई भी सरकार हो, चाहे ये सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हों, कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले ये अपने जो है असेसमेंट, लॉस असेसमेंट का स्टडी करती हैं। अगर इनको लॉस है पॉलिटिकल, इनमें से इन्हें लॉस हो रहा है, तो वैसा कदम नहीं उठाएंगे, और ये इशू सामने आता है। तो इसके लिए विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खासकर ये बहुत बर्निंग इशू है तो पूछता ही है UPSC, तो इसमें बहुत बैलेंस मैनर पे आंसर करना है, ना ही आपको आरक्षण का विरोध करना है, बल्कि इसके जो रीजनेबल क्या है फैक्टर हैं उन पे बात करनी है, रेशनल फैक्टर पे बात करनी है, सामाजिक न्याय की बात करनी है, आर्थिक न्याय की बात करनी है, और राजनैतिक न्याय की बात करनी है। ठीक है, तो आपने ये चीज भाई देखा। अब देखो संकलन का निर्देश के कारण जो है क्या है, SC ST समुदाय के सदस्यों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने हेतु राज्यों द्वारा उठाए गए जो मुद्दे साधारण सामान्य नहीं है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को 7 न्यायाधीशों की बेंच को संदर्भित करने से पहले इन्हें संकलित किया जाना चाहिए। अब M. नागराज का एक्चुअल में मामला क्या है, थोड़ा सा मैं M. नागराज का 2006 के मामला ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ, लेकिन थोड़ी सी से सुन लो। मैं पहले इंदिरा साहनी का मैं आपको बता दूँ, फिर उसका भी बता दूँ, पहले से सुन लो। इंदिरा साहनी है, साहसी नहीं है भाई, इंदिरा साहनी भाई। इसमें जो है ना इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में SC ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर अवधारणा को लागू करने से क्या कर दिया था, जो इंदिरा साहनी मामला है तो इसमें अपना निर्णय दिया था कि इसमें SC ST को क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाएगा, SC ST में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होगा, जबकि यह OBC पर लागू था, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है उस पर लागू था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जबकि यह जो है OBC पर ये लागू था, लेकिन यह अब क्या है पलट दिया है। अब राज्यों के निर्देश हैं कि 5 जजों की बेंच में जो नागराज मामले में 77वें संविधान 77वें 81वें 82वें 50वें संविधान संशोधनों को बरकरार रखा गया है, जो कि पदोन्नति में SC ST समुदायों के आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है, पदोन्नति में आरक्षण की बात करता है, लेकिन राज्यों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि राज्य पदोन्नति में आरक्षण के मामले में SC ST समुदायों को आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।
तो ये भी छूट है। वहीं यदि कोई राज्य पदोन्नति एससी एसटी समुदायों को आरक्षण प्रदान करना चाहता है तो उसे उस वर्ग के पिछड़ापन से संबंधित स्थिति को दर्शाना होगा और जो क्वांटिटेटिव जो डेटा है वो कलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिससे आरक्षण प्रदान करना चाहता है, ये जरूरी है। अनुच्छेद 335 का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा राज्य को सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को भी दर्शाना होगा। राज्य को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा 50% की आरक्षण सीमा के प्रावधान का भी उल्लंघन नहीं किया गया हो, ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ निर्णयों की बात करें तो जनरैल सिंह वर्सेस बीएलएन गुप्ता 2018 का एक मामला आता है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले को एक उच्च पीठ को संदर्भित करने से इनकार कर दिया, परंतु बाद में यह कहकर अपने निर्णय को बदल दिया कि भाई राज्यों को एससी एसटी समुदायों के पिछड़ेपन के जो मात्रात्मक डेटा है उसको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। इसमें से जो है जनरल सिंह वर्सेस जो बीएल गुप्ता है इस मामले में कहा गया, ध्यान रखिएगा। अब पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, जो पदोन्नति में आरक्षण वो है मौलिक अधिकार नहीं है। नागराज मामले में अपने रुख की स्पष्टि करते हुए 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया, साफ साफ कहा कि भाई सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति के मामले में जो आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है तथा किसी को इसे प्रदान करने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता है, इसे बाध्य नहीं करोगे। अब केंद्र द्वारा वर्तमान मांग क्या है? केंद्र द्वारा वर्तमान मांग क्या है? अगर हम केंद्र में वर्तमान मांग की बात करें, केंद्र ने जो है न्यायालय से विभिन्न मुद्दों पर एससी एसटी को पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा को शुरू करने के जो अपने रुख की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। क्या क्या कहा गया है कि भाई पिछड़े वर्ग जो है आरक्षण से वंचित हो सकते हैं। सरकार का मानना है कि क्रीमी लेयर आरक्षण के लाभ जो है तो उससे पिछड़े वर्गों को वंचित कर सकता है, ठीक है। इसमें से क्या है, पिछड़ेपन की स्थिति को पुनः साबित करने की निरर्थकता, जैसे कि यह माना जा रहा है कि एक बार जब उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 341 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ दिया गया है तो फिर एससी एसटी को पिछड़ा वर्ग साबित करने का कोई सवाल ही नहीं है। अनुच्छेद 341 342 के तहत उक्त सूची को संसद के अलावा किसी अन्य द्वारा जो परिवर्तित किया जा सकता है, यह परिभाषित करना कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एससी एसटी के तौर पर उन्हें माना जाए। तो इसमें से ये चीजें देखी। अब आरक्षण में पदोन्नति के लिए संवैधानिकता के प्रावधान क्या हैं? अनुच्छेद 16(4), ये ऑलरेडी आप फंडामेंटल राइट्स में पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। 16(4)(a), 16(4)(b) और 335, ठीक है। इन्हें मैं आपको थोड़ा सा, चलो मैं लिखवाऊंगा नहीं, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाता हूँ। देखो 16(4) क्या है कि इस अनुच्छेद, ये जो अनुच्छेद है इसके अकॉर्डिंगली राज्य सरकार ने अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके पक्ष में नियुक्ति पदों और उनके आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की राय के जो है राज्य में अधीन जो सेवाएं हैं उनमें पर्याप्त अगर प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो ऐसा पॉसिबल है। वही 16(4)(b) और 16(4)(b) के साथ साथ मैंने बताया 16(4)(a), इन्हें सभी को कर लेना है, ठीक है। एक ही बड़ा मैटर निकल, एक अगला हमारा इश्यू है सामने आता है भाई, बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल। बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल, एक्चुअल में चर्चा में क्या है? देखो सरकार के द्वारा मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को निलंबित कर दिया गया था, आपको याद होगा काफी बहस हुई थी। इसे संसद का बजट सत्र पूरा होने के बाद फिर शुरू किया जाएगा। अब भाई यह निलंबन जो है कोविड-19 महामारी को देखते हुए किया गया था, यह सामान्यतः नहीं था। अब भाई सरकार ने कोविड-19 के मामलों की जो बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को भी रद्द कर दिया था। अब इसमें से थोड़ी से जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रश्नकाल और विवरण, प्रश्नकालों से संबंधित चीजें। देखो भाई संसद सत्र का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है, संसद सत्र का जो पहला आर्स होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। हालांकि केवल वर्ष 2014 में प्रश्नकाल का समय जो है राज्यसभा में सुबह 11 बजे, ध्यान से सुनना, राज्यसभा में सुबह 11 बजे और इस 11 बजे नहीं, इसके 11 बजे की जगह 12 बजे, पहले 11 था तो 12 बजे कर दिया गया था।
और इस 1 घंटे के दौरान संसद जो है, संसद सदस्य यानी सांसद मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, अपने अपने मंत्रालय के कामकाज से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व होता है। प्रश्नकाल के दौरान निजी सदस्यों, सांसद जो है जो मंत्री नहीं है उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते, ठीक है। एक ये देखा, अब विनियमन, और इसका विनियमन वही संसदीय नियमों के अनुसार। तो भाई दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी प्रश्नकाल के संचालन के लिए अंतिम तौर से प्राधिकारी होते हैं। प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं, तो एक तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है, और अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। अगर हम तारांकित प्रश्नों की बात करें तो तारांकन द्वारा जो प्रतिष्ठित होते हैं, तारांकन का मतलब ये है कि तारांकित जो प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, और इसके बाद जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले इनका उत्तर जो है मौखिक दिया जाएगा, फिर पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वहीं जो अतारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं, तो अतारांकित प्रश्नों में मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसीलिए इनके बाद जो पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अल्प सूचना के प्रश्न, तो ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर के पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। तो ये प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। अल्प सूचना के प्रश्न ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन पहले एक पूर्व नोटिस दिया जाएगा और इसका जो उत्तर है वो मौखिक दिया जाएगा। अतारांकित, तारांकित मतलब प्रश्नों का जो है उत्तर मौखिक दिया जाएगा और पूरक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अतारांकित मतलब अतारांकित प्रश्नों के मामलों में लिखित रिपोर्ट आवश्यक है, जरूरी है, और इसीलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वहीं आवृत्ति की बात करें तो प्रश्नकाल का आयोजन दोनों सदनों के जो सत्र के सभी दिनों में किया जाएगा, परंतु 2 दिन प्रश्नकाल नहीं होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। एक तो पहला, जब राष्ट्रपति दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हैं तब, और राष्ट्रपति का अगर भाषण नई लोकसभा की शुरुआत और नए संसद के पहले दिन होता है। वहीं दूसरा दिन होता है कि जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, तो 2 दिन प्रश्नकाल नहीं होगा, अन्यथा प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के जो बिना पूर्व के सत्र की बात करें, तो पूर्व में ही जो राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान प्रश्नकाल को भी सॉरी स्थगित किया जा सकता है। प्रश्नकाल का एक्चुअल में महत्व क्या है भाई? देखो, संसद का अधिकार प्रश्न पूछना सदस्यों का एक अंतर्निहित और अपरिवर्तित संसदीय अधिकार है। सरकार को जवाबदेह बनाता है। प्रश्नकाल के दौरान जो है सदस्य प्रशासन और सहकारी जो सरकारी गतिविधि हैं उन पर भी जोर दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, इससे संबंधित चीजें ये रही हैं। संसद सत्र वगैरह ये तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, सत्रों का आयोजन, बजट सत्र क्या है, मानसून सत्र क्या है, शीतकालीन सत्र क्या है। बजट सत्र देखो, ये सबसे लंबा बजट सत्र, जो बजट सत्र की बात करें तो सबसे लंबा बजट सत्र पहला सत्र जनवरी के अंत से शुरू हो जाता है, जनवरी एकदम लास्ट जनवरी, और ये अप्रैल के अंत तक, ये मई के पहले सप्ताह तक ये चलता रहता है। तो ये बहुत सबसे लंबा सत्र कहलाता है बजट सत्र। वहीं बजट सत्र के दौरान एक अवकाश भी होता है ताकि संसदीय समितियां जो हैं बजटीय प्रस्तावों पे चर्चा कर सकें। मानसून सत्र की बात करें तो दूसरा सत्र जो है 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है। आमतौर पर ये जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में ये खत्म हो जाता है। वहीं जो शीतकालीन सत्र की बात करें तो शीतकालीन सत्र यानी जो तीसरे सत्र का आयोजन नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों सत्रों के भी बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। एक अगला इशू आता है दया याचिका पर निर्णय में देरी। दया याचिका, निर्णय में देरी। हाल ही में सॉलिसिटर जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि भाई वर्ष 1991 राजीव गांधी हत्याकांड मामले में जो दोषी की दया याचिका पर तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अगले 3-4 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। उस समय जो मामला, मतलब जो बर्निंग इशू था, तो दया याचिका की अवधारणा का अनुसरण जो है भारत जो है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये कई ऐसे देशों से किया जाता है। अब भारत में क्षमा प्रदान करने की जो शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72, इसके अनुच्छेद 161 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को सौंपी गई है, और यह देश की जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षमा करने, मृत्यु की सजा जो प्राप्त अपराधियों के प्रति दया दिखाने के लिए और शक्तियों का हवाला देकर एक मानवीय पक्ष जोड़ता है।
साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें तो क्षमा प्रदान करने के लिए अपराधियों के प्रति दया दिखाने संबंधी जो शक्तियां भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवीय पक्ष को भी शामिल करती हैं। एक्चुअल में इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले जो है 2015 में दोषी 2015 में जो एक दोषी द्वारा दिए गए एक माफीनामे पर राज्य के राज्यपाल के द्वारा विचार नहीं किया गया था। हालांकि सितंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित याचिका पर निर्णय देते हुए कहा गया कि क्षमादान पर निर्णय लेने के लिए जो राज्यपाल वो पूर्णतः उपयुक्त है। अब इसके बाद जो है राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुच्छेद 161 का हवाला देकर आरोपी की उम्र कैद की जो सजा है इसको रद्द करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि राज्यपाल का निर्णय अभी भी ये लंबित है। अब केंद्र सरकार का अपना क्या पक्ष था, वो मान रही थी कि भाई दया याचिका को राज्यपाल के बजाय राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस मामले की सुनवाई एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार का अपना पक्ष था। दया याचिका वालों को जो करता थे दया याचिका उनका क्या पक्ष था, अपराधी क्षमादान के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब याचिकाकर्ता ने जो है भारत संघ वर्सेस श्री हरण वाद वर्ष 2015 में संवैधानिक पीठ के निर्णय को संदर्भित किया, जिसमें कहा गया कि कार्यकारी क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 434 के तहत जो दोषियों की सजा को रद्द करने के लिए तमिलनाडु सरकार के जो प्रस्ताव पर और वर्ष 2018 में केंद्र की अस्वीकृति अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा के लिए राज्यपाल को जो है अलग से याचिका के लिए बाद मतलब वो अगर अलग से याचिका है तो वो बाधा नहीं है ये कहा गया। वहीं सीआरपीसी की धारा 332 के मुताबिक जो है तो सरकार किसी भी समय बिना किसी भी शर्त या किसी भी विशिष्ट शर्त के आधार पर किसी भी व्यक्ति की सजा को रद्द कर सकती है या फिर सजा के किसी भी हिस्से को समाप्त कर सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन क्या था, निर्णय क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के द्वारा जो की गई देरी को असाधारण करार दिया था। न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य सरकार की सिफारिश के बावजूद राज्यपाल के द्वारा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि राज्यपाल जो है राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश को अस्वीकार नहीं कर सकता है। हालांकि निर्णय जो है वो देने को लेकर के कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। अब राज्यपाल ने फैसले का पुनर्विचार करने के लिए पहले ही राज्य सरकार को जो है फाइल लौटा दी गई थी, लेकिन सरकार अब भी उसके निर्णय पर बरकरार है। क्षमादान की शक्ति ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे कि भाई क्षमादान की शक्ति को लेकर के जो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि जो दोषी करार पाए गए हैं अपराध के लिए, जैसे कि संघीय विधि के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दंड में या फिर सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड में या फिर यदि मृत्युदंड की सजा में। लेकिन कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं करेगा। वहीं सर्वोच्च न्यायालय 80 के कई मामलों में निर्णय दिया गया है कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें से वर्ष 1980 का एक मारू राम वर्सेज भारत 1994 का धनंजय चटर्जी वर्सेज पश्चिम बंगाल का एक केस आता है, इसमें से ये बात करी गई। प्रक्रिया ऑलरेडी पता ही है कि भाई राष्ट्रपति द्वारा जो दया याचिका है इस दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है, फिर मंत्रालय याचिका को जो राज्य सरकार को भेजा जाएगा, उत्तर लिखने के बाद मंत्रिमंडल जो है अपनी मंत्रिपरिषद अपनी क्या करेगा भाई सलाह देगा। अब पुनर्विचार की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74 उसे जो है अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी भी बदलाव के से राष्ट्रपति को वापस भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा वही नहीं होता है, मतलब उसे स्वीकार करना पड़ेगा, विकल्प ही नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियों के मध्य कुछ डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस आप खुद ही देखिएगा। और जैसे पार्डन क्या है, इसमें से दंड और बंदीकरण, ये ऑलरेडी आप जो कोर पॉलिटी पढ़े होंगे। कम्यूटेशन क्या है, रिमिशंस क्या है, रिस्पाइट क्या है, रिप्रीव क्या है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा। जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि
ये आप कोर पॉलिटी में पढ़े होंगे। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने जो देश के विभिन्न उच्च जो न्यायालयों की नियुक्ति और नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में जो देरी हो रही थी उससे सरकार का जवाब मांगा था। कॉलेजियम प्रणाली एक्चुअल में क्या है? देखो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली होती है। इसके माध्यम से जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम जो प्रणाली होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है और उनका मतलब उनका ट्रांसफर किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से उनकी नियुक्ति और इनका ट्रांसफर किया जाता है। अब यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, ट्रांसफर की प्रणाली है, जो संसद के किसी भी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित ना होकर के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली का अगर विकास की बात करें तो प्रथम जो न्यायाधीश मामला आता है, फर्स्ट जो जजेज केस 1981, फर्स्ट जजेज केस 1981, एसपी गुप्ता वर्सेज भारत संघ 1981। तो अगर हम एसपी गुप्ता वर्सेज भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जिससे मतलब प्रथम न्यायाधीश मामलों के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो न्यायिक नियुक्तियों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के साथ पूर्ण और जो प्रभावी परामर्श होना जरूरी है। इसके बाद यह निर्धारित किया गया कि भी न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है अगर कोई ठोस रीजन है। वहीं इस निर्णय को अगले 12 वर्षों के लिए जो न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर न्यायपालियों की जो न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी गई है। वहीं दूसरा एक सेकेंड जजेस केस 1993 में आता है, फिर थर्ड जजेस केस 1998 में आता है। सेकेंड जजेस केस की अगर हम बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने कोलिजियम प्रणाली की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति है। परामर्श का मतलब सहमति जरूरी है, ठीक है, कंसेंट। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से ये ली जाएगी, यह एक संस्थागत राय होगी, ठीक है। तीसरा एक जुडिशियल केस आता है, थर्ड जजेज केस 1998 में, और इसमें पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के द्वारा एक जारी जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के तौर पे कॉलेजियम का विस्तार किया जिसमें से सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे। तो इसका फिर एक्सपेंशन हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 जो उसके सीनियर मोस्ट जज होंगे वो शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता सीजेआई के द्वारा करी जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 दूसरे अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व जो है, अगर हम उच्च न्यायालय के कॉलेजियम की बात करें तो उसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश जो होंगे तो मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। भाई उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्त किए गए अनुशंसित नाम सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम में अनुमोदन के बाद जो सरकार तक पहुंचते हैं तो उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका, कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाने की प्रक्रिया और यदि किसी भी वकील या उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश के तौर पे उन्हें पदोन्नति की मतलब मिलेगी, पदोन्नति किया जाना है, जो कि सरकार की भूमिका और आसूचना ब्यूरो में इंटेलिजेंस या फिर जैसे बड़ी कोई जांच एजेंसी है इसमें से कराए गए जांच तक ही सीमित होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित और जो है स्थापित खुफिया एजेंसी है। यह किसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक तौर से कंट्रोल में आती है और सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्ति उठा सकती है, कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण भी मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा दोबारा की जाती है तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए भी बाध्य होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपने ये सारी चीजें देख ली। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सीजेआई जो है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति और भारत के न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, ठीक है। वहीं जो है सीजेआई के संदर्भ में निवर्तमान सीजेआई और उत्तराधिकारी के नाम की भी सिफारिश करते हैं। हालांकि वर्ष 1970 के दशक पे जो अति लंघन विवाद के मामले में व्यवहारिक तौर से इसके लिए वरिष्ठतम का जो
मतलब आधार से पालन किया जाता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो एससी के अन्य न्यायाधीशों के लिए नामों का चयन जो प्रस्ताव है सीजीआई के द्वारा किया जाएगा। सीजीआई कॉलेजियम के बाकी जो सदस्यों के साथ साथ उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं, जिससे भी न्यायाधीशों पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति से संबंधित होता है, एक ये इशू आ जाता है। वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अगर हम बात करते हैं तो आपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बात करें सॉरी जो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के लिए, तो हालांकि उनके चयन का निर्णय कॉलेजियम के द्वारा लिया जाता है, उच्च न्यायालय जो न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजीआई और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम के द्वारा की जाती है। अब हालांकि इसके लिए प्रस्ताव से संबंधित उच्च न्यायालय के जो निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद ही एक लिया जाएगा। यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, जो कि इस प्रस्ताव का केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिए राज्यपाल को सलाह दिया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली की कुछ आलोचनाएं रही हैं, तो इससे संबंधित जो भी मैटर रहा है मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब इतना इसमें इससे ज़्यादा नहीं इससे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक ये मैटर आपने देख लिया है, ये इशू ऑलमोस्ट हमने काफ़ी कुछ यहाँ तक देख लिया है। निष्ठा का अधिकार और एक वैध राजकीय हित की बात, एक पिछले 3 वर्षों से आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। थोड़ा सा निजता का अधिकार के बारे में देख लो, निजता का अधिकार भाई केंद्र सरकार ने कहा कि निजता के अधिकार को एक अच्छे मौलिक अधिकार माना जाता है, परंतु वैध राजकीय हितों के लिए जो है लोगों के इस अधिकार से वंचित लोगों को इसे वंचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की यह प्रतिक्रिया एक याचिका के जवाब के दौरान आई है, इसमें से केंद्र की निगरानी परियोजना, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको स्थायी तौर से बंद करने की मांग भी की गई है। अब केंद्र की निगरानी परियोजनाओं की बात करें तो एक केंद्रीय निगरानी प्रणाली जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो सरकार के द्वारा मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल फोन, लैंडलाइन, इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी के लिए केंद्रीय निगरानी प्रणाली यानी CMS की स्थापना की गई है। CMS ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम। वहीं नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस देखो, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस जो है नेत्रा बोलते हैं, एक ऐसा प्रयास है जो कि भारत सरकार के द्वारा नेटवर्क के द्वारा भेजे गए जो संदेश हैं अगर वो डाउटफुल हैं तो उन शब्दों को फिल्टर करने के लिए संचालित किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रेड भाई, इसकी अवधारणा सबसे पहले वर्ष 2009 में प्रस्तुत की गई इसका उद्देश्य किसी भी संदिग्ध के टेलीफोन विवरण, बैंकिंग आवृजन प्रवेश, या फिर मान लो किसी भी चीज से ऐसी चीज जैसे कि इसमें से निकास से संबंधित डेटाबेस तक पहुंचने या सुरक्षा या सूचना जो एजेंसियों के लिए एकल बिंदु समाधान करना, ये ऐसी सारी चीजें रही। ठीक है, तो इसे निजता के अधिकार को लेकर के इसमें से कुछ चुनौती दी गई हैं। आपको पता है निजता का अधिकार ऑलरेडी कोर फिलॉसफी आप पढ़ ही चुके हैं जो आर्टिकल 21 है। अब केंद्र की जो निगरानी परियोजनाओं पे कुछ सवाल उठाए गए हैं कि जो भी आर्टिकल 21 है, तो जैसे CMS मैंने बताया, नेत्रा बताया और जो ये नेट ग्रिड बताया, क्या ये आपकी निजता के अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगी? तो ये सारी चीज़ें सरकार का अपना पक्ष है, इससे जो विपक्ष के मतलब अगर बात करें तो उनका अपना पक्ष है, लेकिन देखो निजता के अधिकार को थोड़ा सा और सुन लो। जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, का मतलब ये है कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता जो है अकेला छोड़ दिए जाने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में एक बहुत बड़ा मामला एस्पोट्टा स्वामी वर्सेज भारत संघ में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद अधिकार है, इसके तहत व्यक्ति के निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें से आंतरिक तौर से जो है संविधान के भाग 3 और गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के तौर पर संरक्षित किया गया है। ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, तो ये आपने सारा सब कुछ देखा। अब देखो BN श्री कृष्णा समिति की बात करें तो डिजिटल दुनिया में जो व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक फ्रेमवर्क की सिफारिश किए जाने के लिए
वर्ष 2017 में एक न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्णा जी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना करी गई थी और इस समिति ने जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी थी। तो ध्यान रखिएगा बी एन श्री कृष्णा समिति के नेतृत्व में, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक ये एक इशू आता है, इससे संबंधित इसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और वहीं मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो 2019 था, क्योंकि निजता की सुरक्षा के लिए सरकार के माध्यम से सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे। अब जैसे कि अगर हम मसौदा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण 2019 वाले मामले की बात करें, तो ये जो बिल था भारत और विदेश में सरकार और निजी जो एंटिटीज थी, यानी जो डेटा जो एंटिटीज थी इससे संबंधित एंटिटीज थी, इनके द्वारा लोगों के निजी डेटा की प्रोसेसिंग को जो विनियमित करता है और व्यक्ति की सहमति पर जो है आपात स्थिति में यानी इमरजेंसी कंडीशन में सरकार के द्वारा लाभ और उसको प्रोसेस करने की उसे अनुमति दी गई है। बीएन श्री कृष्णा के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बताया ही था। देखो एक थोड़ा सा एक केस और देख लो, केस नहीं मतलब इसका रेफरेंस कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कंप्यूटर सिस्टम के जरिए होने वाले कुछ डेटा उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसमें से कंप्यूटर सिस्टम और उसमें से संग्रहित डेटा के अनाधिकृत उपयोग को रोकने का भी प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये आपका निजता का अधिकार, और देखो इसमें से मैंने ये सारी चीज बताई आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ये तो कोर क्वालिटी है, ठीक है। तो इसे तो बताने की जरूरत नहीं है, शादी का अधिकार, और इसे ऑलरेडी मैं डिटेल में बहुत सारा कि क्या क्या इसके अंतर्गत आता है आपके साथ पहले मैं शेयर कर ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला हमारा जो मुद्दा है, मतलब इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम जो है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगले अगर हम पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वृद्धि और ईडीआर एक्चुअल में क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है, थोड़ा सा इससे देख लो। पंजीकृत रजिस्टर्ड यानी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वृद्धि एडीआर चर्चा में क्यों, ये है क्या, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट कहती है, ये रिपोर्ट जो है 2010 से वर्ष 2019 के बीच भारत में जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या है ये कह रही है कि दुगनी हो गई है, नॉन रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एडीआर नई दिल्ली जो ये जो है आपके एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर नई दिल्ली स्थित एक भारतीय गैर सरकारी, ध्यान रखना गैर सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना जो है ना एडीआर की 1999 एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 99 में करी गई थी। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का मतलब क्या है कि नौ पंजीकृत राजनीतिक दल या ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने राज स्तरीय पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किए हैं या जिसने पंजीकृत होने के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा है उसे गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। ऐसी पार्टियों को मान्यता प्राप्त पार्टियों को दिए जाने वाले सभी जो लाभ हैं वो प्राप्त होते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की अगर हम बात करें तो एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय या राजकीय दल बन सकता है। अब राज्य या राज्य स्तरीय अगर हम बात करें राज्य स्तर पर एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनने के लिए एक राजनीतिक दल को पिछले आखिरी चुनाव के दौरान यानी जो पिछला आखिरी चुनाव था तो उसके दौरान मान्य वोटों को एक निश्चित न्यूनतम मतदान क्या करना पड़ेगा उसका एक प्रतिशत या राज्य विधानसभा या लोकसभा में कुछ सीटों की संख्या सुरक्षित करनी पड़ेगी जो उसने कभी भी पिछला चुनाव लड़ा होगा। अब राजनीतिक दलों को आयोग की द्वारा जो मान्यता उन्हें प्रतीकों का आवंटन राज्य के स्वामित्व वाले जो टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर कुछ राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची साथ में उसमें से कुछ एक्सेसिबिलिटी कुछ विशेषाधिकार भी निर्धारित किए जाते हैं। अब निर्वाचन आयोग के कुछ गाइडलाइंस जो हैं गाइडलाइंस क्या हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा पार्टी फंड चुनावी व्यय पारदर्शिता जवाबदेही और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे जो कि अक्टूबर 2014 से सभी राजनीतिक दलों पर ये लागू हो गए थे। आवश्यक कुछ दिशा निर्देश क्या थे ध्यान रखिएगा,
जो सभी जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टी थी इन दलों से संबंधित राज्य के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, जो सीईओ थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके कार्यकाल में अपनी अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है और जनता के द्वारा देखे जाने के लिए वार्षिक और जो परीक्षण बातों का योगदान रिपोर्ट और चुनावी खर्च के जो विवरण है इसकी स्कैन की गई प्रतियां, इसके साथ साथ प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर जो प्रतियां अगर प्राप्त हो जाती हैं तो संबंधित राज्य के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वेबसाइट पे अपलोड करना होगा और वो अपलोड करेंगे। तो ये कुछ मामले, मतलब ये बात कही जाती है। अब राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि को लेकर के अगर हम बात करें तो भारत में चुनाव आयोग ने 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं। कितने भी 2360 करीब रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 97.5% गैर मान्यता प्राप्त हैं। ये रजिस्टर्ड हैं लेकिन गैर मान्यता प्राप्त। वर्ष 2010 से 10 के 1112 नॉन रजिस्टर्ड, 2010 के यानी 1112 के आसपास कितने भाई 1112 ये गैर पंजीकृत जो दलों की संख्या बढ़कर के 2019 में जस्ट डबल हो गई है 2360। राजनीतिक दलों को प्राप्त जो हुआ दान के बारे में, तो देखो वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल जो लिए गए 2310 पंजीकृत या गैर मान्यता प्राप्त दलों में से केवल 78 यानी 3.3% की योगदान जो है वो रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन पे उपलब्ध है, अन्यथा नहीं है। एडीआर के सुझाव क्या थे? जो एडीआर, देखो इसके सुझाव थे कि 2016 में 255 दलों को गैर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की जो सूची थी उससे हटा दिया गया था, क्योंकि या तो उनका कोई अस्तित्व नहीं था या वो सक्रिय नहीं थे। अब यह राजनीति, ये जो प्रक्रिया है जारी रहनी चाहिए ताकि उस सभी राजनीतिक दलों को हटाया जा सके जो 5 वर्षों से अधिक समय से वो सक्रिय ना हो, ध्यान रखिएगा, या किसी भी चुनाव में शामिल ना हो, या साथ ही इसका प्रयोग पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक माध्यम के तौर पर किया जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार से संबंधित जो है चुनावी प्रथाएं, धन शक्ति का दुरुपयोग से बचने के लिए राजनीतिक दलों के जो पंजीकरण के विनियमन पर इसका महत्वपूर्ण मतलब इस पे से जो है इसको टैकल करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजीकरण को विनियमित करना चाहिए। वहीं गैर मान्यता प्राप्त दलों की जो आयकर की जांच की जानी चाहिए, विशेषकर उन लोगों की जो कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं परंतु स्वैच्छिक योगदान की प्राप्ति की घोषणा करते हैं, वो स्वैच्छिक योगदान करते हैं, ठीक है। एक ये मामला बड़ा निकल गया। एक अगला है कुरुबा समुदाय, ये पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछला इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया, ठीक है। गैर मान्यता प्राप्ति संख्या वंख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जो कुरुबा समुदाय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कर्नाटक, देखो भाई हाल ही में कर्नाटक में जो कुरुबा समुदाय के द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के समुदाय के लोगों द्वारा राज्य सरकार से मांग की गई थी कि राज्य सरकार कुरुबा समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी की सूची में शामिल करे। इसके लिए केंद्र सरकार को है अपनी संतुति भेजी गई थी। अब भाई पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो देश की स्वतंत्रता के बाद कुरुबा समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन वहीं 1970 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो जस्टिस एल जी हनुवर ने कुरुबा समुदाय को एसटी सूची में और अति पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। हालांकि आयोग ने इसमें एक क्षेत्र विशेष की शर्त भी जोड़ दी थी, कहा था कि बीदर, यादगीर, कालबुरागी और मेदिकेत क्षेत्र, ये कुरुबा समानार्थी शब्द के साथ ये रहने वाले लोग एसटी श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं, जो ध्यान रखिएगा इन लोगों के लिए पर्टिकुलरली। कुरुबा का संक्षिप्त थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ। देखो कर्नाटक का कुरुबा समुदाय एक पारंपरिक भेड़ पालक समुदाय है, भेड़ पालता है, और वर्तमान में कुरुबा समुदाय की जो जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का करीब अगर बात करें तो एक करीब वही 9.5% के आसपास, 9.3% है, और ये पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। कुरुबा कर्नाटक में लिंगायत
बुकलिग्गा जो कि 2017 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो बुकलिग्गा और मुसलमानों के बाद चौथी सबसे बड़ी जाति है, मुसलमानों के बाद ये चौथी सबसे ज्यादा, लिंगायत, फिर बुकलिग्गा, फिर मुसलमान, फिर ये कुर्बा। अब भाई देखो, अन्य राज्यों में जो कुर्बा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में धनगर, गुजरात में रबारी, रायका, राजस्थान में देवासी, हरियाणा में गडरिया, ये अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब लिंगायत समुदाय की भी अपनी मांगे थी, उनने 3 वर्ष पहले ही, और जो क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस वजह से ये कुर्बा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है। तो जो कुर्बा है, सॉरी, लिंगायत समुदाय की मांगे एक्चुअल में क्या थी, इससे बना सकता है स्टेटमेंट। तो 3 वर्ष पहले कर्नाटक में लिंगायत समुदाय ने एक अलग अल्पसंख्यक धर्म के तौर पे मान्यता दिए जाने की मांग करी गई थी। अब भाई लिंगायत उप जो पंथ है, ये पंच मसाली से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने समुदाय को पिछड़ा वर्ग की 2A श्रेणी में शामिल किए जाने की भी मांग कर रहा है। इसके तहत जो पिछड़ी जातियों को वर्तमान में 15% आरक्षण का प्रदान किया जाता है। अब इसी समय आप देखोगे न्यायमूर्ति HN नागमोहन दास आयोग बिठाया जाता है, और उसकी सिफारिशें क्या है, न्यायमूर्ति HN जो नागमोहन हैं, इनका जो आयोग है, तो इनका गठन ST समुदाय जो है, सॉरी SC नॉट ST, SC समुदाय के लिए मौजूदा आरक्षण को 15% से बढ़ा करके 17 करने, और ST के लिए 3% से बढ़ा करके 7 किए जाने की प्रक्रिया की निगरानी में किया गया था। अब इसमें उच्चतम न्यायालय 1992 के निर्णय के अनुसार कि यह कुल जो है 50% आरक्षण कोटे से अधिक ना होने पाए। अगर कोरबा को उनकी मांगों के अकॉर्डिंगली ST घोषित किया जाता है, तो SC कोटे को भी आनुपातिक तौर से बढ़ाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण की कोटा की अगर हम बात थोड़ी से करें, लेकिन इसमें चुनौतियां क्या है, देखो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कर्नाटक राज्य पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की सीमा जो 50% है, उस सीमा पर पहुंच चुका है, पर इसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि पहले से इसमें कहा गया है। भाई कर्नाटक में वर्तमान आरक्षण कोटा की बात करें, तो कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1992 के आदेश का पालन करते हुए आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया है। वहीं साथ में इसके तहत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको 32% आरक्षण निर्धारित है, जिसमें से मुस्लिम, ईसाई, जैन सभी शामिल हैं। ST के लिए 15 और SC के लिए 3% निर्धारित है। ये इस समय वर्तमान का कोटा सिस्टम है। इस आरक्षण कोटे में कई ऐसे श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है, जैसे श्रेणी फर्स्ट तो 4%, श्रेणी 2A इसमें से 15%, श्रेणी 2B इसमें 4%, श्रेणी 3A 4%, श्रेणी 3B 5%, SC 15% 3%, ये सारा कुछ इसमें से मैट्रिक्स है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब SC 15, ST 3, ठीक है, कैटेगरी में भी मैंने बताया कि कौन कौन सा क्या क्या गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे संबंधित जो भी मामला था हमने देख लिया है। ये कुरुबा ये ध्यान रखिएगा वहाँ की जनजाति है, ठीक है, जनजाति नहीं कहेंगे, मतलब ये लगातार मांग कर रहे हैं कर्नाटक की ये, और इनकी जो जनसंख्या है चौथी लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, अगले क्लास में एक क्लास और बची है, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।